हाय फ्रेंड, मेरा नाम सलमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के हिंदी लाइफ मखदूमी चैनल पर। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया है और उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप उसको कैसे अपने घर पे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब वीडियो प्ले होता तो उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको जिस भी आधार कार्ड में गलती होगी, जिसको भी सही करना है, वो आधार कार्ड जिसके भी नाम पर है, आप उनके नाम का जो भी आईडी सही है, जैसे वोटर आईडी कार्ड में नाम सही है, तो उसका एक फ़ोटो आप खींच कर अपने मोबाइल में 2 MB से कम उसको मतलब क्रॉप करके रख लीजिए। उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिसको आपको जिस आधार कार्ड को सही करना है, उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर अपने पास रखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो मैं UC ब्राउज़र ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर गूगल में आपको टाइप करना है आधार अपडेट आधार कार्ड। देख लीजिए, आपको ये टाइप करना है अपडेट आधार कार्ड। और जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे तो किस कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन होगा। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए और जैसे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे आप देखिए आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल, यहाँ देख सकते हैं आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल अपडेट पोर्टल। तो आपको इस पर क्लिक करना, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। तो फ्रेंड, ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज में आ गया। अब आपको यहाँ पे ये नो दिखा रहा, नो बैक और एस कंटिन्यू, तो आपको एस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया और ये आपको फिर नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल का वेबसाइट खुल गया। आपको यहाँ पर जिस भी आधार नंबर को सही करना, जिस भी आधार कार्ड में गलतियाँ हुई उसका आपको यहाँ पर नंबर टाइप करना है। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ये डालने के बाद अपना आधार नंबर नीचे यहाँ पे आपको कैप्चर डालना, जो बॉक्स में कैप्चर है आपको इस कैप्चर यहाँ पे डालना है। तो मैं कैप्चर भी डाल देता हूँ 5481। और जैसे आप कैप्चर डाल के दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड OTP, आपको सेंड OTP पे क्लिक करना। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, तो उस पर एक OTP जाएगा। तो फ्रेंड, मेरे नंबर पर OTP आ गया है, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो आप भी इसी तरह से डाल दीजिए और OTP डालने के बाद यहाँ से लॉगिन कर दीजिए। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपना नाम सही कर सकते हैं, आप अपना जेंडर सही कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं, एड्रेस सही कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो फ्रेंड, आपको जो भी यहाँ पे गलती हो गई आपके आधार कार्ड में, उसको आप सही करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें उसको आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ भी एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, लेकिन मैं सिर्फ अपना नाम ही सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। आप भी इसी तरह से सबमिट कर दीजिए, फिर से आपको दूसरे विंडो पर ले जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अपना जो भी आपका नाम गलत हो गया है, गलत नाम मत डालिए, जो भी आपका नाम सही है वो यहाँ पे डाल दीजिए इस बॉक्स में। आप यहाँ पे इंग्लिश में डालिए, मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने अपना नाम डाल दिया और फिर यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन फ्रेंड, मैं इसको नाम को यहाँ पे हिंदी में सही करना चाहता हूँ, आप भी इसी तरह से सही कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से रहने देना चाहता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा नाम हिंदी में हो गया, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हो गया। अब आप इसके बाद में यहाँ पर सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड देख लीजिए, आपको नाम अपने डालने के बाद यहाँ पे सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने क्लिक कर दिया है, अभी मुझे नेक्स्ट विंडो पे फिर से ले जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको
एक बार फिर से देख रहा, बता रहा कि आप देख लीजिए सही है सब कुछ नाम, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। हाँ नाम सही है। अब आप यहाँ पे आई कंफर्म पे आपको टिक करना है। ये करने के बाद आप प्रोसेस पे कर दीजिए। अगर कुछ गलती हो गया है तो आप यहाँ पे मेडो फ्रिली पे क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपको फिर से दोबारा आगे नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। आपको यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें नाम सही है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड उसका MB जो है 2 MB से ज़्यादा ना, जो 2 MB से कम ही का वो डॉक्यूमेंट हो। आप उन्हें कैमरे से खींच सकते हैं या स्कैन करा के रख सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल से ही खींच के रखा हूँ। मैं यहाँ पे पासपोर्ट को सेलेक्ट करने वाला हूँ। आप यहाँ से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें नाम सही, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है। तो मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पे, मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम सही है इसलिए मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ से ऑनलाइन फ़ोटो खींच सकते हैं, इमेज फाइल। तो मैं इमेज इमेज पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे गैलरी में लेके गया। और यहाँ से मैं कैमरे में मेरा फ़ोटो है, ये देखे फ्रेंड, ये मेरे पासपोर्ट का फ़ोटो है। मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। जैसे आप डन करेंगे ये आगे आपको ले जाएगा। ये फ्रेंड मेरा 2 MB से कम ही का है। अब ये ले लिया फ्रेंड। अब आपको यहाँ नीचे से सबमिट करना है। आपका अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करके दूसरा फ़ोटो आप डाल सकते हैं, दूसरा अपना डॉक्यूमेंट का कोई दूसरा फ़ोटो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा सही है। मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। और जैसे आप सबमिट करेंगे ये पूछ रहा है यस या नो, सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। जैसे आप यस करेंगे आपको फिर से नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ आपको ये आपको दो प्रोवाइडर का नाम दिखा रहा है, आप जिससे भी सही कराना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे ये देखिए फ्रेंड, अभी आपका हो गया। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्रेंड, आपके मोबाइल नंबर पर भी एक SMS आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट रिक्वेस्ट कंप्लीट, यूअर अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन 18 जनवरी 2017, यूअर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। ये आपका नंबर है, आप इसको लिख कर रख लीजिए। कभी भी आपको स्टेटस अगर चेक करना है कि क्या हुआ तो आप इस नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या इसको आप कॉपी करके अपने उसी ब्राउज़र में रख सकते हैं, या फिर आप इसको अपने लिख सकते हैं। इस तरह से आप कॉपी करके रख सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर जब जब कभी भी आप अपना स्टेटस चेक करना चाहें तो ये नंबर डाल के आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ। आप यहाँ पे अपडेट स्टेटस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, और यहाँ पे वही जो नंबर अभी मैंने आपको बताया था वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे एक कैप्चर डालना है और सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड गेस्ट स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप करेंगे आपका वो स्टेटस बता देगा कि क्या हो रहा है। फ्रेंड मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का आपके अगर आधार कार्ड में कोई गलती हो गया तो आप उसको भी सुधार सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं फिर इसी तरह के वीडियो लेकर आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।